हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईपीएल 2019 के 19th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और ये मुकाबला होगा 6 अप्रैल की रात को 8 बजे भारतीय समय अनुसार। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले अगर मैं सनराइज़र्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो जैसे बल्लेबाज, विजय शंकर, मनीष पांडे जैसे बल्लेबाज है दोस्तों, वहीं अगर और यूसुफ पठान जैसे ऑलराउंडर भी हैं। वहीं अगर मैं मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास रोहित शर्मा, ईशान किशन, क्लिंटन डी कॉक, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, कैरन पुलाड जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 55 दूंगा मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी को आउट ऑफ 100 और 45 दूंगा सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज, राशिद खान जैसे गेंदबाज, मोहम्मद नबी, शकीब उल हसन जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा, मयंक मारकंडे, राहुल चहर जैसे गेंदबाज है दोस्तों, और कुणाल पांडे जैसे ऑलराउंडर गेंदबाज भी हैं और हार्दिक पांडे जैसे भी ऑलराउंडर गेंदबाज हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो भले ही बल्लेबाजी में मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी हो पर गेंदबाजी में मुझे सनराइज़र्स हैदराबाद का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 70 दूंगा सनराइज़र्स हैदराबाद की गेंदबाजी को आउट ऑफ 100 और 30 दूंगा मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी को आउट ऑफ 100। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो हम सबसे पहले अगर गेंदबाजी पर नज़र डाला तो हैदराबाद का पल्ला भारी था और अगर बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है। और ये मुकाबला जो है ये खेला जाएगा सनराइज़र्स हैदराबाद के होम ग्राउंड में। तो मैं बैक करूँगा फिर से एक बार सनराइज़र्स हैदराबाद को ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से सनराइज़र्स हैदराबाद ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 55% चांसेस है सनराइज़र्स हैदराबाद के मैच जीतने के और करीबन 45% चांसेस है मुंबई इंडियंस के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच सनराइज़र्स हैदराबाद नहीं मुंबई इंडियंस जीतेगी तो आप मुंबई इंडियंस के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।